अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा लजीज लेयर्ड वाली कचौरी। चिकन कीमे की फिलिंग के साथ में हम ये कचौरी बनाएंगे, तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की। सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें मैं ऐड करूँगी नमक और फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मेल्टेड घी। घी को हम मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम इसे रब करेंगे। हमें इसे तब तक रब करना है जब तक कि आटा मुट्ठी में हमारा बन नहीं जाता। हमारा आटा भी मुट्ठी में इस तरीके से बन रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका हम डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका डो बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी का डो लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसे सॉफ्ट डो बनाना है। हमें समोसे के डो के जितना कड़क नहीं बनाना है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में तेल लिया है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐड करने के बाद में मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भून लेने के बाद में इसमें हम फौरन ऐड करेंगे चिकन का कीमा। कीमे को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। इसे भूनते हुए हमें इसका पानी सुखा लेना है, पर इसमें जब हल्का सा मॉइस्चर बचा होगा तभी हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे और उसे साथ में भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर एंड गरम मसाला। सारे मसाले ऐड करने के बाद में इसे हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंच बीन और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आखिर में हम ऐड करेंगे हरा धनिया और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारी डिलीशियस फिलिंग रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे ठंडी करने के लिए छोड़ देंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारा डो रेस्ट हो चुका है। अब हम बनाते हैं हमारी कचौरी। उसके लिए यहाँ पे मैंने डो लिया है। इस डो को हम रोल करेंगे, उसके बाद में 6 इक्वल पार्ट्स में इसे कट कर लेंगे। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। अब हमें इन बॉल्स को एक पतली रोटी की तरह बेल लेना है। हमें इसकी इस तरीके से रोटी बना लेनी है। उसके बाद में हम इसके ऊपर चारों तरफ मेल्टेड घी लगाएंगे। चारों तरफ घी लगाने के बाद में अब हम चारों तरफ मैदा छिड़केंगे। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरीके से चारों तरफ मैदा छिड़क लेना है। मैदा डालने के बाद में दोनों साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद में फोल्डेड साइड पे हम मेल्टेड घी लगाएंगे। फोल्डेड साइड पे भी हम मैदा छिड़केंगे। फोल्डेड साइड पे भी मैदा छिड़कने के बाद में हम इसे रिटर्न एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसे स्ट्रेच कर लेना है। हल्के हाथ से हम इसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद में फिर से हम इस पर मेल्टेड घी लगाएंगे और मैदा छिड़केंगे। अब हमें इसे रोल कर लेना है। जिस तरीके से मैंने दिखाया है उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से रोल कर लिया है। अब इस रोल को हम बीच में से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके लेयर सारे विजिबल है। जो 2 पार्ट हमने कट किए थे उसमें से हम 1 पार्ट लेंगे और इसका एंड लेकर हम दूसरी साइड पर स्टिक करेंगे। जिस साइड लेयर है उस साइड हमें स्टिक नहीं करना है। फिर हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में जो लेयर्स है वो साइड हम डाउन रखेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसे हम बेल लेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना है, पर थोड़ा सा ही बेलेंगे।
कुछ इस शेप में हमें इसे बेलना है। उसके बाद में हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी उसे हम इसमें ऐड करेंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद में हम इसे कचौरी का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ हम रेडी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद में हम फ्लेम को लो कर लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे तलना है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी की कचौरियाँ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही ज़्यादा लजीज लेयर्ड वाली कचौरी। इसके खस्ता लेयर्स एंड चिकन कीमे की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसे कोई भी सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।